सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि अब लोन मॉरेटोरियम पर छूट का वहन सरकार करेगी और अब सरकार मॉरेटोरियम की सुविधा न लेने वालों को भी राहत देने का विचार कर रही है। तो क्या है सरकार का विचार और क्या हो सकता है राहत देने का नया तरीका, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से मार्च में सरकार ने पूर्णबंदी लगा दी थी। पूर्णबंदी की वजह से कामकाज ठप पड़ गया था। ऐसे में बहुत से लोग लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंकों को ईएमआई नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मॉरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि बैंक लोन मॉरेटोरियम पर लगने वाले कर्ज की वसूली नहीं करेंगे। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू लोन मॉरेटोरियम को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे और अब 6 महीने के मॉरेटोरियम की सुविधा ना लेने वालों को भी सरकार राहत देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ऐसे लोगों के लिए कैशबैक जैसे स्कीम ला सकता है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने वाली वो एमएसएमईज जिन्होंने वक्त पर किस्त भरी, उन्हें भी मुआवजा मिल सकता है। बता दें कि सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि इन्हें मॉरेटोरियम का फायदा उठाने वालों के बराबर लाया जा सके। मॉरेटोरियम से जुड़े पूरे आंकड़े अभी तक नहीं आ पाए हैं, इस वजह से अभी डिटेल्स पर काम नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी है जिन्होंने 6 महीने के मॉरेटोरियम का लाभ उठाया। साथ ही ऐसे भी कर्जदार हैं जिन्होंने कुछ वक्त के लिए मॉरेटोरियम अपनाया, कुछ ने कई दिन तक ईएमआई डाल दी। जानकारी के मुताबिक कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, सरकार के पास अभी सारे आंकड़े भी नहीं है, खास तौर पर एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का। इसी को लेकर रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की तरफ से भी बयान आया, जिसमें कहा गया है कि समय पर भुगतान करने वालों को राहत देने का एक तरीका ये है कि सरकार उनके मूल बकाए में से ब्याज पर ब्याज का एक हिस्सा कम कर दे। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब लोन मॉरेटोरियम पर छूट का वहन सरकार करेगी। बता दें कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की श्रेणियों में एमएसएमई, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो क्रेडिट कार्ड बकाया, उपभोग, व्यक्तिगत और पेशेवर ऋण शामिल हैं, जिन पर लागू लोन मॉरेटोरियम को माफ करने का फैसला लिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।